वेलकम टू देसी खाना। आज हम बना रहे हैं राजमा चावल। मैंने लिए हैं राजमा, ये मेरे पास आधा किलो है और इनको मैंने सारी रात भिगो दिया था और फिर मैंने इनको गला लिया है। इनमें कोई सोडा नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। आप इनको जब गलाने लगेंगे तो आप थोड़ा पानी डाल के इनको थोड़ा गलाइएगा, तकरीबन दो गिलास डाल के। फिर उसके बाद आप एक सीटी बोलेगी तो आप खोल दीजिएगा। जब वो सख्त होंगे तो आपने एक गिलास ठंडा पानी डालना, जो नलके का पानी होता है हमारा ताज़ा। फिर आप वेट देंगे तो आपके बहुत जल्दी ये राजमा गल जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे हमारे राजमा गल गए हैं। और ये मैंने लिए हैं चावल। चावल मेरे पास हैं एक किलो। ये मेरे पास हैं वनस्पति चावल हैं मेरे पास, आप कोई से भी ले सकते हैं। ये मेरे पास प्याज है और प्याज मैंने दो अदद लिए छोटे साइज़ की, इनकी मैंने पेस्ट बना ली है। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये मैंने लिक्विड फॉर्म में पेस्ट इसका बनाया था, जूसी जूसी सा ये। और ये जो हम सा हमारे पास दही है, इसमें दही डलता है, कुछ लोग टमाटर डालते हैं लेकिन सही में दही ही डलता है रेसिपी में। और ये मेरे पास सिरका है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। सूखा धनिया लिया है एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिया है एक चाय का चम्मच और हल्दी ली है मैंने आधी चाय का चम्मच। जिस कुकर में मैंने राजमा अपना गलाया था, अब इसी में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और मैं सबसे पहले प्याजों की पेस्ट डालूंगी। प्याज डाल के हल्का सा हम फ्राई करेंगे और दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए, पानी रखा है उनका। मैंने ये दो जग पानी का लिया है, इसमें मैंने तीन खाने चम्मच नमक के डाले हैं। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं अपने चावलों को देखकर। और थोड़ा सा घी डाला है और मैंने सिरका डाला है। सिरका डालने से या नींबू निचोड़ने से आपके चावल एक तो बहुत खूबसूरत वाइट बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। प्याज मेरे हल्के से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का ही पेस्ट डालूंगी और साथ ही अपने मसाले जो ड्राई हैं मसाले डाल दूंगी और इनको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया, जब हमारा मसाला भून जाएगा इस वक्त हम डालेंगे दही। ये तकरीबन आधा पाव दही होगा जो हमने इसके अंदर ऐड किया है, इसको हम मिक्स करेंगे। और अब मैं राजमा भी डाल दूंगी। राजमा मैंने डाल दिया, अब मैं डालूंगी सिरका एक खाने का चम्मच, बरकत के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके डालने से आपके खानों में एक बहुत मज़े का लज्जत भी आ जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ और अगर आपने रोटी के साथ खाना तो इतना पानी बेहतरीन होगा। आप थोड़ा सा इसको एक दो बॉयल देंगे तो आपकी रोटी के साथ ही बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन मैं चावलों के साथ बना रही हूँ तो मैं इसमें तकरीबन दो कप जितना पानी डालूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि इसका जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। चावलों का पानी बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें ये हमारा तैयार हो गया, ग्रेवी भी इसकी ठीक हो गई है और मेरे दूसरी तरफ चावल भी बॉयल हो गए हुए। अब मैंने डिश आउट कर दी, हमारी डिश तैयार हो गई है, मज़ेदार से राजमा चावल। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जब आप बनाएं तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।